विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्र पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी UPTET की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अवैध चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक ले सकते हैं। इसमें 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 400 पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे 2018 से लेकर के 21 तक के। UPTET में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है। सभी काफ़ी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इसे मंगवा सकते हैं। UPTET की स्टडी गाइड भी आती है और UPTET का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। पहली सूचना, 5.5 लाख को दी है नौकरी। सीएम योगी के ये बयान है। कल सीएम ने लोक भवन में विभिन्न विभागों के नव चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दी। लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ पिछले 6 वर्षों में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी हैं। 6 साल पहले तक कोई नहीं मानता था कि यूपी सुधर जाएगा, लेकिन आज तस्वीर बदली है। अब गांव, शहर और हर क्षेत्र में बदलाव देखने को। कल सीएम ने PCS और अन्य विभिन्न पदों पर चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया, साथ में ई अधियाचन पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लिखा कि इससे आयोग को त्रुटि रहित प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। अभी तक जो अधियाचन आता है वो मैनुअल होता है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, कभी आरक्षण इत्यादि को लेकर के तो कभी अन्य बातों को लेकर के। लेकिन लिखा है कि इस ई पोर्टल में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं होगी जिससे कोई त्रुटि हो सके। एक निश्चित फॉर्मेट होगा और जब फॉर्मेट में निश्चित तरीके से जानकारी दी जाएगी तभी वो सबमिट होगी, इसलिए इसमें त्रुटियां नहीं होंगी और भर्तियों में तेजी आएगी। यहाँ पर लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्त कार्मिक विभाग की ओर से तैयार ई अधियाचन पोर्टल का उद्घाटन भी किया। इस पोर्टल से अब समूखा वग्गा के रिक्त पदों पर भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग को अब ऑनलाइन भेजे जा सकेंगे। अब तक अधियाचन मैनुअल भेजा जाता था जिसमें त्रुटि होने पर बार बार प्रस्ताव वापस हुआ करते थे। इसे देखते हुए पोर्टल में ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जो नियुक्ति संबंधी सारी सूचना अधूरी या त्रुटिपूर्ण होने पर पास ही नहीं करेगा। और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भी यहाँ पर बयान लिखे, जैसे यहाँ पर कोई SDM CM ने कहा कि समयबद्धता के साथ में परीक्षा से लेकर के साक्षात्कार होने में 1 साल के अंदर चयन प्रक्रिया पूरी होगी। चयन का काम काफी पारदर्शी एवं निष्पक्ष हुआ है। देखिए, जो चयनित हो जाएगा वो मुख्यमंत्री के सामने ऐसे ही बोलेगा। और मुख्यमंत्री के बारे में मैंने हमेशा से कहा है, कई बार कहा कि कम से कम बेरोजगार छात्रों से भी वो एक बार मिलें और उनसे पूछें कि आखिरकार ये जो चयन बोर्ड है, आयोग, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो चयनित छात्र हैं नियुक्ति पत्र बांटते समय उनसे आप पूछते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो कैसे कह देगा हाँ मैंने इतना पैसा दिया या भर्ती बोर्ड बहुत खराब है। वो सरकारी कर्मचारी हैं, इस तरीके से नहीं बोल सकते। अगली सूचना है 35,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा कराने को नई कंपनियों को किया जाएगा आमंत्रित, जल्द तय होगी रूपरेखा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आजकल, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिए करें, और जो नए छात्र हों तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो ऑथेंटिक अपडेट्स है वो सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पर लिखा है कि बहुप्रतीक्षित 35,757 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड सीधी भर्ती की परीक्षा कराने के लिए निविदा के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा। भर्ती बोर्ड यह कवायद पहले भी कर चुका है, सिर्फ एक ही कंपनी के निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। और ये अधियाचन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है, कोई नई जानकारी नहीं है, अभी टेंडर की प्रक्रिया ही चल रही है। और अप्रैल से आवेदन नहीं लिए जाएंगे, मैं स्पष्ट कर दूं, अप्रैल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टेंडर की जो प्रक्रिया वही शुरू होगी। लिखा है कि 31 मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी, क्योंकि वर्तमान में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और नीचे लिखा हुआ है कि सूत्रों की माने तो इस बार कई कंपनियां आ सकती हैं, कई एजेंसी आ सकती हैं, और जैसे ये परीक्षा एजेंसी तय हो जाएगी वैसे इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो जाए।
अगली सूचना शिक्षक भर्ती को लेकर के है। शिक्षकों के 51,000 पद भरने के लिए शुरू किया आंदोलन, जबरदस्त धरना प्रदर्शन कल हुआ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते युवक डीएलएड टीईटी सीटेट पास युवाओं ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के 51,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। युवाओं ने ऐसा न करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि उन्होंने 2017 में डीएलएड किया था और इसके बाद टीईटी और सीटेट भी पास किया था, किंतु 5 साल से वह भर्ती के इंतजार में। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे और हाल ही में विधानसभा में बताया था कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,000 से अधिक पद खाली। नीचे लिखा हुआ कि काफी देर बाद प्रदर्शन के बाद में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने युवाओं से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अभी शासन की ओर से ये लाइन ध्यान देने वाली है। शासन की ओर से नई भर्ती के लिए कोई आदेश नहीं है और इससे छात्रों में नाराजगी बढ़ गई, तो शासन से ही बात करना चाहिए। विद्यार्थियों को इन अधिकारियों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। कोई सरकारी मंत्री या जो भी लोग हैं वही भर्ती दे सकते हैं, और नीचे क्योंकि जो जो सरकार की मंशा होती है उसी के अनुरूप अधिकारी काम करते हैं। नीचे लिखा कि उन्होंने कहा कि अभी शासन की ओर से नई भर्ती के लिए कोई आदेश नहीं है और इससे छात्रों में नाराजगी बढ़ गई और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को बसों में भर करके इको गार्डन ले गए। कल भर्तियों को लेकर के प्रयागराज में भी युवा पंचायत हुई, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। शाही सरकार की तरीके प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पर 1 करोड़ के पदों के भरने की तो बात छोड़िए, रोजी रोजगार के नाम पर मुकदमे पर उतारू है। तो साथियों, ये निर्णय करना होगा सबको और सोचना होगा कि आपको अपना ही नहीं बचाना, आपका भविष्य बचा के रखना है। तो आने वाली सरकारें भी इस चीज को जागरूक रहे, इस चीज से प्रदेश का युवा विद्रोह में उतारू हो सकता है। और पिछली बार अभी तक जितने आंदोलन किए गए हैं उसमें मुकदमे हुए, वो सब चीजों से डरने का घबराने का लोगों को जरूरत है नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये अच्छी तरह हम लोग जान रहे हैं कि इन मुकदमों से कुछ होना नहीं है। दूसरी बात ये, अगर अपने रोजी रोजगार का आवाज उठाना अगर अपराध है तो ये विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपराध और उद्योगी छात्र अपराध नियंत्रण करते रहेंगे। और मेन बात ये कि शहीद भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु का सपना सिर्फ ये नहीं था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफी संख्या में कल विद्यार्थी आए थे और जो रिक्त पदों की सरकार भर नहीं रही है और विद्यार्थी पर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, आंदोलन को दबाया जाता है, उसको लेकर के चर्चा परिचर्चा। अगली सूचना टीजीटी पीजीटी और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा है, नए आयोग के गठन के बाद ही हो सकती है शिक्षक भर्ती। आवेदन के 7 माह बाद भी 2 भर्ती संस्थाएं घोषित नहीं कर सकी परीक्षा की तिथि। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी फंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51,117 पदों वाली भर्ती वो भी रुकी हुई है। लिखा, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में भी फंसी हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही ये दोनों भर्तियां शुरू होंगी। मैंने पहले भी बताया था कि नए आयोग से ही ये दोनों भर्तियां होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर और टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि सरकार की ओर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इसी आयोग से अब ये भर्तियां हो सकती है। पीएचडी प्रवेश की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इग्नू से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पद खाली, यहाँ पर लिखा हुआ 18 से 27 तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान लिखा, पात्रता इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए, केवल 2 पात्रताएं हैं। और चयन प्रक्रिया लिखा, सीबीटी का एक एग्जाम होगा और टाइपिंग होगा, क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी लिखा है। लास्ट डेट 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल के पहले पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 1,000 रुपये लगेगा। ignu.ac.in ये आपकी वेबसाइट। कोरोना फिर से बढ़ रहा है, 140 दिन बाद कोरोना के 1300 नए मरीज। इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्नातक स्तर पर संचालित 8 प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में भी दाखिले CUET के माध्यम से होंगे। इन प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में 468 सीटें हैं। कौन कौन से पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं वो नीचे लिखे, इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।